कोरोना ने बिहार में चिंताएं बढ़ाई हैं और इन चिंताओं में तीन बातें हैं जो बताना बहुत जरूरी है। और वो ये है कि देखिए बिहार में अभी है क्या कि जिस तरीके से फैलाव हो रहा है तो संदिग्ध मरीजों की तादाद बढ़ी है, तो ये एक जांच जो नहीं हो रहा था पहले, एक तो है कि अब जांच होने लगी है और जांच के लिए RMRI एक सेंटर था तो अब IGIMS भी जहां जांच होने लगी है, तो इस आधार पर जांच से अब ये पता चल रहा है, जितनी जांच होगी उतना हम शायद ये बता सकते हैं, बिहार भी बता सकता है कि उतना वो कोरोना प्रूफ है। लेकिन ये जो अभी मामले आ रहे हैं उसमें लगभग आप समझ लीजिए कि जो आंकड़े आए हैं आधिकारिक तौर पर वो 5,919 संदिग्ध मरीजों की पहचान हुई है, संदिग्ध मरीजों की, ये अभी कोरोना पॉजिटिव नहीं है। लेकिन जो सबसे चिंता की बात है कि बीमारी जो है बिहार में, उत्तर बिहार के इलाकों में बड़ी तेजी से फैल रही है और जो उत्तर बिहार के इलाके हैं गोपालगंज, सिवान, मधुबनी और मुजफ्फरपुर, तो इस तरीके से एक जो बात बार बार मैं भी कह रहा था अपनी रिपोर्ट में कि उत्तर बिहार में खतरे ज़्यादा हैं, इसलिए खतरे ज़्यादा हैं कि उत्तर बिहार से मिडिल ईस्ट का कनेक्शन, एक मनी ऑर्डर इकोनॉमी चलती है, जो बिहार में लोग कमाने जाते हैं परदेश वो ज़्यादातर जो है उन मुल्कों में जाते हैं और फिर घर लौटते हैं। तो इस आधार पर जो अभी तक फिगर आया है देखिए, उसमें सिवान में सबसे ज़्यादा संदिग्ध जो हैं 3,118 जो है उनका पता चला है, गोपालगंज में लगभग 550 और फिर इसी तरीके से फिगर मधुबनी, मुजफ्फरपुर का भी है, सारण का भी है। और डॉक्टर इस बात को लेकर के चिंतित हैं कि डॉक्टरों की अभी भी ये शिकायत है कि उन्हें जो है उपयुक्त जो है उपकरण नहीं मिल रहे, PPE नहीं मिला, उनका पर्सनल प्रोटेक्शन जो है वो नहीं मिल रहा है, शहर में सफाई चल रही है, सैनिटेशन का काम चल रहा है, लेकिन बीमारी जो है वो पांव पसार रही है और लॉकडाउन सिर्फ क्या इलाज है ये अब पब्लिक भी सवाल उठाने लग रही है। पब्लिक का कहना है कि लॉकडाउन के साथ साथ समुचित इलाज हो, तो अब जांच जितनी तेज होगी उतनी तेजी से कहें तो ये भी पता चलेगा कि बिहार कोरोना के मामले में किस हाल में है। फिलहाल बिहार का हाल चिंताएं बढ़ाने वाला है। कैमरा पर्सन सप्तऋषि के साथ पटना से स्वराज एक्सप्रेस के लिए नवेंद्र।